अब तक आपने देखा कैसे डोमिंगो पेस के द्वारा लेख में अपने नाम का उल्लेख किए जाने के लिए विजयनगर के लोग उत्साहित रहते हैं। डोमिंगो पहले आचार्य तथाचार्य के निवास पर जाकर उनकी दिनचर्या के विषय में जानकारी लेता है। फिर वो राजमहल की ओर महाराज से मिलने के लिए निकलता है, जहां महाराज और दोनों महारानियां अपने आप को डोमिंगो के समक्ष सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आगे। प्रणाम। ये हमारी छोटी महारानी हम भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए महाराज की प्रिय है। महाराज बताइए इनको। जी जी, सत्य कह रही है महारानी तिरुमलम्बा, व्यंजन अत्यंत विशेष और स्वादिष्ट बनाती है और हम उसे बड़े चाव से ग्रहण भी करते हैं। लिखिए, ये भी लिखिए। और ये भी लिखिए कि हम महाराज के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, इसीलिए महाराज उन्हें चाव से खाते हैं। ये भी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। और हाँ, ये भी लिखिए कि महाराज भोजन के स्थान के समीप फूलदान भी रखते हैं। फूलदान? नहीं नहीं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे मत लिखिए आप। आप भोजन में क्या है आज? आज दम आलू, छोले, पूरी, राजमा, चावल, हलवा, खीर। अद्भुत अद्भुत, हम खाएंगे। ये सब तो पेस महोदय के लिए बनाया है महाराज, आपके लिए तो हमारे विशेष व्यंजन। क्यों ऐसा क्यों कि अतिथि महोदय साधारण भोजन करें और हम विशेष व्यंजन खाएं? हम भी वही खाएंगे जो अतिथि महोदय खाएंगे। महाराज, अतिथि देवो भव, ये हम मानते हैं। अतिथि देवो भव, जो ये खाएंगे वही भोजन हम भी ग्रहण करेंगे। पेस महोदय तो विदेश से आए हैं, उनके लिए तो हमारे सामान्य भारतीय भोजन ही विशेष व्यंजन है। ओह, ऐसी है, अच्छी सुगंध। हम नोट्स बाद में करेगा, पहले हम भोजन ग्रहण करेगा। महाराज, हम स्वयं आपको अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराएंगे, चलिए। और हम महाराज की भोजन करते हुए आरती उतारेंगे। खाइए। खाते हम खाते। जाइए अतिथि महोदय के लिए और मिष्ठान लेकर आइए, जाइए। अत्यंत स्वादिष्ट। महाराज, आपने संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लिया। जी। इतना स्वादिष्ट लगा आपको भोजन? जी। महाराज, रसोई घर में और भी भोजन है, हम अभी लेकर आते हैं। नहीं, the food was too good, too delicious. गुड़ चाहिए आपको? भोजन बहुत कच्चा है, कच्चा। कच्चा है? हमने तो इतने अच्छे से पकाया था। अच्छा है, अच्छा कहने का। अच्छा, अच्छा है। फिर तो हम पेस महोदय को ना अपने हाथों का विशेष व्यंजन चखाएंगे। हम भी चखना मांगता है। नहीं नहीं, महारानी तिरुमलम्बा, हमारे अतिथि को विलंब हो रहा है, पुनः जब पधारेंगे तब चखा दीजिएगा। अभी ने जाना है महामंत्री तिमरसु के पास, उनके आवास जाना है, आपको विलंब हो रहा होगा, आपको जाना चाहिए। The food was very good. खाना बहुत अच्छा था, अच्छा, मजा आ गया। पेस महोदय, हम ना आपको अपने हाथों का विशेष व्यंजन बांध के दे देते हैं, आप उसे घर ले जाइएगा, जब घर पहुंच जाएंगे ना उसके पश्चात खा लीजिएगा। सिपाही, हमारे अतिथि को महामंत्री तिमारसु के आवास ले जाइए आप। अद्भुत प्रदर्शन रहा आप दोनों का। प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। अब हम आपका साक्षात्कार लेगा, तो लीजिए। पहले अपना पेट तो फोड़िए। पेट फोड़िए? क्यों? पेट अंदर खड़के खड़ा है, हमारा उत्तर कैसे देगा? पेट फोड़िए। जी जी, आइए।
आप विजयनगर का महामंत्री हैं, हमको विजयनगर की सेना के बारे में बताओ। पूछिए, आप क्या ज्ञात करने के अभिलाषी हैं? विजयनगर की सेना में कुल कितने एलिफेंट है? ये क्या होता है? आपके पास कितने साथी हैं? साथी? अरे भाई, सभी सैनिक तो हमारे साथी हैं। नहीं नहीं, नॉट सैनिक, साथी। वो जो आपकी तरह मोटा है, लंबी नाक होती है, जब वो चलता है ऐसा लगता है पूरी धरती हिल रही हो, यू नो, एलिफेंट। एलिफेंट? हाथी। हाथी, यस यस। हमारे विजयनगर राज्य में कुल 1500 हाथी हैं। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, हम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जो अर्थात ये ओके, माय मिस्टेक। तो मंत्री जी बिठाइए, उनमें कितने हाथी माँ बनने वाली है? माँ बनने वाली? जब तक हम वापस जाएगा, माँ बनकर हाथी तुम्हारा गिनती को बढ़ाएगा, संख्या बढ़ जाएगा ना, हमको सुनिश्चित करना मांगता है सही संख्या। हमारा लोग हम पर विश्वास करता, इसलिए लेख में सही अंक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अवश्य अवश्य, हम पता करके बताते हैं। आपके पास कितनी घुड़कुंभार सेना है? घुड़सवार? घुड़सवार पेश महोदय, घुड़सवार। घुड़सवार अर्थात जो घोड़े पर बैठकर चलते हैं। ओके, माय मिस्टेक। घुड़सवार तो आपकी सेना तलवार लेकर चलती है और घुड़सवार घोड़े पर रहते हैं, तो फिर आपके घुड़सवार सेना चलती क्यों है? महोदय, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वो घोड़े पर बैठकर ही चलते हैं। बुरा मत मानना, हमको सब कुछ सही सही लिखना होता है। अरे नगर कोतवाल जी, मंत्री सर। आइए 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 आइए, ये हमारे विजयनगर राज्य के नगर कोतवाल हैं। आप बैठिए बैठिए। अरे बैठिए, इन्हें अपने कार्य के अलावा बाकी सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान है। क्या है, आप इनसे प्रश्न पूछिए, ये आपको अवश्य उत्तर देंगे। हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु जाना है तो हमें आज्ञा दीजिए। मंत्री महोदय, पेश महोदय, मेरा नाम लिखा क्या? मेरी धर्म पत्नी और नौनो बच्चे हैं, उनका नाम अवश्य आना चाहिए। नाम बताऊं? नाम बाद में लिखेगा, पहले यह बताओ विजयनगर में टोटल कितने बंदर है? बंदर? गुरुवर, क्या हुआ आपको? हमारे गुरुजी गिरे हुए। अरे मूर्ख, सदामनी देवी, हमारे गुरुजी बैठने जा रहे थे, गुरु माता ने आसन खींच लिया, गुरुजी गिर गए, पीठ में मोच आ गई। दुष्ट, मोच आ गई थी, ठीक हो गई। अब देखो सदामनी, एक तो हमें मोच आ गई थी, दूसरा इन दुष्टों के कारण हमें भूमि पर बैठना पड़ा। ये इच्छा मगर दीजिए। कौन आ गए? इस महोदय। इस महोदय के सामने मालदा मत, उचित व्यवहार करना। मान सम्मान का प्रश्न है गुरुजी हमारे। धनीचार्य मनीचार्य मेरे बच्चों, तुम ओम का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हो। ओम का उच्चारण सबसे बड़ा मूल मंत्र है। देखो, ओम का उच्चारण सही किया करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। अरे पेश महोदय, आप यहाँ कैसे? ये कोठा हमको उड़ाया। अरे पेश महोदय ने पूछा था विजयनगर में कितने बंदर हैं, तो मैं इनको यहाँ ले आया। कैसी बातें कर रहे हैं कोतवाल जी, हम आपको बंदर दिखते हैं और हमारे गुरुजी को देखिए, ये क्या बंदरों के गुरुजी हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं इन्हें सौदामिनी जी से मिलवाने लाया हूँ। वही तो है जो जंगल में विचरण करती रहती हैं पशु पक्षियों से नृत्य सीखने के लिए, तो मुझे लगा कि सौदामिनी जी को अच्छी तरह ज्ञात होगा कि विजयनगर में कितने बंदर हैं। ये महोदय कौन है? ये हम बताते हैं ना सौदामिनी जी, ये पेश महोदय हैं, पुर्तगाल से आए हैं लेख लिखने, यहाँ के निवासियों और राज्य की समृद्धि के विषय में। आइए आइए बैठिए, आप भी पधारिए ना। पेश महोदय जी, हम विजयनगर की प्रसिद्ध राजनर्तकी हैं। अच्छा, आप क्या काटती हैं? काटती? काटती नहीं ही, नर्तकी। नर्तकी है। वाओ डांसर, बिना कला को सम्मिलित किए हमारा लेख अधूरा होगा।
हम अभी आपको अपना नृत्य दिखाते हैं। आप ना हमारे विषय में अवश्य लिखिएगा। हाँ, हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे समस्त विश्व में। हाँ हाँ, दिखाओ, हम लेख बनाएगा, पर इन सब को बाहर भेज दो, हमें लिखने में मगन होगा। क्या होगा? विघन कह रहे हैं, विघन। हमको अकेला रहना मांगता है। गुरुवर, धनीमणि जी, कोतवाल जी, कृपया आप सब यहाँ से पधारिए। अरे सुना नहीं, आपसे कह रही है, जाइए। गुरुवर, हम आपसे भी जाने के लिए कह रहे हैं। प्रिय, आप हमें अपने घर से निकाल रही हैं? गुरुजी, प्लीज महोदय बैठे, इनके सामने सौदामिनी देवी को प्रिय तो मत कहिए, नहीं तो ये भी लेख में लिख देंगे। सौदामिनी जी, आप हमें अपने घर से जाने का आग्रह कर रही हैं? हाँ गुरुवर, हम आपको भी घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। वो क्या है, हमें पेश महोदय को अपना नृत्य करके जो दिखाना है। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आइए आचार्य। तीम ताम पिट तक दीम ताम पिट तक दीम। गुरुवर, कौन है? पंडित रामकृष्ण, क्या चल रहा है, अंदर क्या झांक रहे हैं, मुझे भी देखने दीजिए। अरे पंडित रामकृष्ण, बेस महोदय सुदामिनी के नृत्य पे लेख लिख रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है, किंतु आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? हमारे गुरुजी को ना सुदामिनी देवी ने अपने घर से ही निकाल दिया। अरे हमें क्यों, सबको निकाला। गुरुवर को भी। हाँ। सुदामिनी देवी ने गुरुवर को भी निकाल दिया। पंडित रामकृष्ण, हम अत्यंत चिंतित हैं, परिहास मत करो। क्या सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी से हमारा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, शिष्या है हमारी बस। लगता तो नहीं गुरुवर कि वो आपकी शिष्या है, आपको घर से भी बाहर निकाल दिया, आपका सम्मान भी नहीं किया, पेश महोदय के अंदर जाते ही आप बाहर। देखो 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 पंडित रामकृष्ण, ये जो पेश महोदय है तुम्हारे निवास पर आने वाले हैं, संभलो और संभालो, आप पर लेख लिखने वाले हैं ये, जाइए अपने निवास पर जाइए, जाके अपनी अम्मा और शारदा को सूचित कीजिए, हम जानते हैं वो क्या करती हैं आपके साथ, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपके सम्मान की कथा कहीं सात समुंदर पार पुर्तगाल न पहुंचाए। उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप भी अपने निवास स्थान जाइए, यहाँ आपका कोई कार्य नहीं। तो आप भी जाइए। हाँ तो आप भी जाइए। हम नहीं आएंगे, मैं जा रहा हूँ, जाइए। सुन रामा, ये पेश ने तो गुरुवर और सौदामिनी को अलग कर दिया, लगता है हमारे निवास पर भी कुछ भूकंप आएगा। हाँ बंधु, पता नहीं ये आएगा तो क्या करेगा। हमारे घर में तो वैसे ही तेरी दुर्दशा होती रहती है, पेश महोदय के समक्ष कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरे विश्व में तेरी दुर्दशा हो जाएगी। अब तो माँ ही रक्षा करेंगी, चल चल कर देखते हैं। गुरुजी, अब आप क्या करेंगे? अब हम ऐसा कार्य करेंगे कि दरबार में महाराज केवल और केवल हमारी प्रशंसा करेंगे, किसी और की नहीं। और इन पेश महोदय की पुस्तिका में सर्वप्रथम हमारा ही नाम अंकित होगा, और वो भी स्वर्ण अक्षरों में। गुरुजी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो विध्वंसकारी चल रहा है, कोई ना कोई खेल खेलने वाले हैं हमारे गुरुजी। सत्य वचन। शालदा अम्मा, पेश महोदय पधार ले। सोलह एकम सोलह दुनी बत्तीस। रामा, रामा कहाँ है? रामा अंदर सो रहा है। अब अभी बुला के लाते। सोलह एकम सोलह सोलह दुई बत्तीस। रामनाथ उठिए ना, आपसे भेंट करने कोई आया है। और करो ना, अच्छा लग रहा है। जाइए। और करो ना,
पूछिए ना। और करो ना। उठते हैं या अम्मा को बुलाए? कौन आया है? प्राणनाथ, आपसे भेंट करने पेश महोदय आए हैं। चलिए शीघ्र चलिए। अच्छा तुम चलो ना, मैं अभी आता हूँ मेरी प्राणेश्वरी। अच्छा शीघ्र आइए। पेश महोदय आए हैं, आने दो, पेश महोदय को आने दो। क्या सोच रहे हैं, यही तो है पंडित रामा कृष्ण का घर। अंदर चलिए ना। हमें यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, तुम जाओ। परंतु पेश महोदय, यदि भीतर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो कौन ला के देगा? गुरुजी ने कहा है कि हम आपके साथ उपस्थित रहें आपकी सेवा के लिए। हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, आप दोनों प्रस्थान कीजिए। अभी हम अपने लेख में लिखता है फिर। तुम दोनों खिचने 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 उदंड हो। अरे जाओ, नहीं उदंड लिख देंगे। कृपया ऐसा मत कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए पेश महोदय। हाँ हम जाते जाते, अच्छा लेख लिखना। चल 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 धनी। पेश महोदय आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तुम भी जाओ। मैं भी जाऊँ? यस गो, जाओ। ठीक है जाता हूँ। गुरुवर, आपकी पेश महोदय से भेंट कैसी रही? अति उत्तम, अद्भुत व्यक्ति है पेश महोदय। हमारे अंदर विद्यमान समस्त शक्तियों के विषय में पूर्व से अवगत थे। उन्होंने हमारे संबंध में इतने विस्तार में लिखा, इतना विस्तार में लिखा कि हमें उन्हें रोकना पड़ा। कि देखिए पेश महोदय, हमारे अंदर तो इतनी विशेषताएं हैं कि लिखते लिखते आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा, अनेकों अनेक पुस्तिकाएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु हमारी विशेषताएं समाप्त नहीं होंगी। हमने उन्हें समझाया कि विजयनगर में और भी प्रतिभावान लोग हैं, उनके संबंध में लिखिए। अद्भुत, धन्यवाद गुरु। महाराज, महाराज हम कुछ सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे गुरुवर? देखिए महाराज, पेश महोदय विजयनगर के संबंध में जो भी लिखेंगे वो विजयनगर की कीर्ति में चार चांद लगाएगा। अवश्य। और विजयनगर के शत्रुओं को सबक सिखाने का ये अत्यंत अच्छा अवसर है महाराज। वो कैसे गुरुवर? देखिए महाराज, पेश महोदय से आपकी भेंट तो हो चुकी है, उन्होंने आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में लिखा, आपके राज्य के कुशल संचालन के संबंध में लिखा, परंतु एक विषय में लिखना शेष है महाराज। कौन सा विषय गुरुवर, विस्तार पूर्वक बताइए हमें। आपके शौर्य के विषय में। जी महाराज, पेश महोदय विजयनगर आ ही गए हैं तो विजयनगर की शक्ति और विजयनगर के महान महाराज श्री कृष्णदेवराय के संबंध में लिखना भी तो आवश्यक बनता है महाराज। महाराज, हमने पेश महोदय को हमारे विजयनगर की सैन्य शक्ति के बारे में बता दिया है, यहाँ के हाथी घुड़सवार सभी के संदर्भ में। महामंत्री जी, आप महाराज की गणना हाथी घोड़ों में कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, सेना देखना और सैन्य प्रदर्शन दो भिन्न भिन्न बातें। तो आप चाहते क्या है गुरुवर? कि पेश महोदय की पुस्तिका में अंकित होने के लिए महाराज युद्ध करें? युद्ध नहीं महाराज, युद्ध नहीं, युद्धाभ्यास। क्या? वो भी दूसरे राज्य की सेना के साथ होगा ये युद्धाभ्यास महाराज, परंतु पेश महोदय को लगना चाहिए कि दोनों राज्यों में वास्तविकता में युद्ध छिड़ गया है। इससे विजयनगर की सेना की शक्ति के बारे में और महाराज की शूरवीरता के बारे में वो विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए महाराज, हम तो आपके शुभचिंतक हैं, हम चाहते हैं कि आपकी कीर्ति और आपकी शूरवीरता भारतवर्ष तक नहीं अपितु सात समंदर पार विदेशों में भी फैले। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं गुरुवर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।